नमस्ते, ट्रेडलेस के प्रो ट्रेडिंग एप्लीकेशन रॉकेट प्लस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे ट्रेड प्लस में सारे टाइप ऑफ ऑर्डर्स के रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो। इसे स्टार्ट करने से पहले आप स्टॉक को सेलेक्ट करें जिसे आपको बेचना या खरीदना हो। चलिए अब हम लेते हैं सिज़्लो और यस बैंक आपके एग्जाम्पल के लिए। अगर आप चाहते हो तो आप इन स्टॉक्स को डायरेक्टली वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली बाई और सेल भी कर सकते हो। हम इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हैं ताकि हम आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टूल्स और फैक्ट्स बता सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हो तो आपको एक स्मॉल मेन्यू नीचे से स्लाइड होगा, जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीफाइंग ग्लासेस, जिसका मतलब है कि आप अपने मार्केट डेप्थ देख सकते हो। इस पेज से आप चार्ट, ऑप्शन चार्ट, लैडर और अपने ट्रेड्स को भी कंप्लीट कर सकते हो बाय और सेल ऑप्शन को सेलेक्ट करके। आप इस टूल को मेन मेन्यू के जरिए से भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आप बाय और सेल बॉक्स को क्लिक करें, ये आपको ऑर्डर प्लेसिंग पेज में लेके जाएगा। आप टॉप पे एक्सचेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको ट्रेड करना हो। अगर आपको बाय और सेल करना हो तो इस स्लाइड के जरिए चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट टाइप CNC, कैश एंड कैरी। ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में यूज किया जाता है। इक्विटी सेगमेंट। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आप अपने स्टॉक्स को ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए। CNC प्रोडक्ट टाइप में आपको ज्यादातर स्टॉक्स के लिवरेज नहीं मिलेंगे और ना ही आपके पोजीशंस ऑटो स्क्वायर अप होंगे। CNC के जरिए आप कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं ले सकते, मगर आप अपने स्टॉक्स को बेच सकते हो इस प्रोडक्ट टाइप को सेलेक्ट करके। MIS, इसका मतलब है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर अप। इसे आप इंट्राडे इक्विटी, इंट्राडे फ्यूचर, इसे आप इंट्राडे इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन और कॉमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। MIS प्रोडक्ट टाइप आपको इंट्राडे में लिवरेज लेने में मदद करता है। आप मार्जिन कैलकुलेटर के जरिए ये चेक कर सकते हो कि आपको इंट्राडे में कितना मार्जिन मिल सकता है। मार्जिन कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप अपने कट ऑफ टाइम से पहले अपने ओपन पोजीशंस को क्लोज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपके पोजीशंस स्क्वायर अप हो जाएंगे। ऑटो स्क्वायर अप टाइमिंग का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। NRML, इसे आप ओवरनाइट ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको इक्विटीज, करेंसी और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में इस्तेमाल कर सकते हो और आप इसके पोजीशंस को एक्सपायरी तक कैरी कर सकते हो। अगर आपने इस प्रोडक्ट टाइप को सेलेक्ट किया हो तो इंट्राडे लिवरेज नहीं प्रोवाइड किया जाता है। कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें एक इनबिल्ट रिस्क मिटिगेशन अवेलेबल है। सिंपल वर्ड्स में डाले तो कवर ऑर्डर एक मार्केट ऑर्डर है या लिमिट ऑर्डर है जिसे आप स्टॉप लॉस के जरिए प्लेस कर सकते हो। जैसे कि आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको मैक्सिमम लॉस बेयर करने के डिटेल्स पहले से ही मालूम हो जाते हैं, अगर आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट मूव करता है तो। कवर ऑर्डर का पर्पस है ट्रेड के रिस्क को रिड्यूस करना। जैसे कि कवर ऑर्डर एक मार्केट ऑर्डर अनलिमिट ऑर्डर है जिसे आपको स्टॉप लॉस के जरिए प्लेस करना होता है एक स्पेसिफिक रेंज को सेट करके, तो आप इस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट के समय ही आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को सिलेक्ट कर दिया है, इसी के कारण आपका रिस्क ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। कवर ऑर्डर सिर्फ इंट्राडे के लिए है और कोई भी इंट्राडे पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगा हमारे सिस्टम के जरिए अगर आपने कट ऑफ टाइम से पहले इसे स्क्वायर अप नहीं किया हो तो। इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए CO को सेलेक्ट करें, क्वांटिटी को सेलेक्ट करें, ट्रिगर प्राइस को सेट करें। आपके ट्रिगर प्राइस करेक्ट रेंज में सेलेक्ट होना चाहिए ताकि जब प्राइस आपके सेट रेंज को हिट करे तो आपका ऑर्डर सही से प्लेस हो जाए। अभी आप ऑर्डर प्लेस को स्वाइप करें, ऑर्डर पर कंफर्म करें। इसी तरीके से आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर टाइप लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर, इसके द्वारा आप अपने ऑर्डर्स को एक बेटर प्राइस में सेट करके बाय और सेल कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर प्लेस करने का एक एडवांटेज है कि आप अपना बाय और सेल अपने डिजायर्ड प्राइस पर सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर चांसेस है कि आपके ऑर्डर्स कम्प्लीटली या पार्शियली प्लेस ना हो पाए अगर कोई भी काउंटर ऑर्डर अवेलेबल है उसी प्राइस और क्वांटिटी में जिसमें आपने सेट किया हो। ऑर्डर को प्लेस करने के लिए लिमिट पर क्लिक करें, क्वांटिटी को एंटर करें और अभी स्वाइप करें ऑर्डर प्लेस करने के लिए। उसके बाद आप कंफर्म बटन पे कंफर्म करें। इसी तरीके से आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर, ये आपको स्टॉक्स को बेस्ट मार्केट प्राइस में बाय करने में मदद करता है। अगर आप बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आप अपने क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स को मेंशन करें ताकि जो भी प्राइस अवेलेबल है एक्सचेंज में उस समय के हिसाब से मार्केट प्राइस में आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेल ऑर्डर भी डाल सकते हो उसी प्राइस में जहां पर बायर्स रेडी है खरीदने के लिए। अभी सेलेक्ट करें मार्केट, क्वांटिटी और स्वैप करें। इसी तरीके से आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा सक्सेसफुली मार्केट में।
स्टॉप लॉस ऑर्डर तक डाला जाता है जब आपको डर हो कि मार्केट के प्रोस आपके ट्रेड्स को क्रॉस करेंगे। यहाँ पर टू टाइप ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर प्राइस प्लस ट्रिगर प्राइस, और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ओनली ट्रिगर प्राइस। केस वन, अगर आपके पास बाई पोजिशन है तो आप सेल स्टॉप लॉस रखेंगे। केस टू, अगर आपके पास सेल पोजीशन है तो बाई स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस लिमिट, जैसे कि नाम में दिया है लिमिट, यहाँ पर प्राइस में लिमिट है ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले। यहाँ पर दो प्राइस स्पेसिफाइड है स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते वक्त। ट्रिगर प्राइस, जो आपके ऑर्डर्स को एक नॉर्मल लिमिट ऑर्डर में कन्वर्ट करने में मदद करता है एक्सचेंज लेवल पर। इसे प्लेस करने के लिए स्टॉप लॉस लिमिट पर क्लिक करें, क्वांटिटी को एंटर करें, फिर लिमिट प्राइस और अभी ट्रिगर प्राइस को सेट करें। स्टॉप लॉस बाई करने के लिए लिमिट प्राइस ट्रिगर प्राइस से ग्रेटर होना चाहिए, और स्टॉप लॉस सेल करने वक्त स्टॉप लॉस का प्राइस ट्रिगर प्राइस से लेस होना चाहिए। अभी स्वाइप करें ऑर्डर प्लेस करने के लिए और कंफर्म करें। इसी तरीके से आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। स्टॉप लॉस मार्केट, जैसे कि नाम में है, यहाँ पर आप ट्रिगर प्राइस को ही सेट कर सकते हो। यहाँ पर ये ट्रिगर आपके ऑर्डर्स को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर देगा एक्सचेंज में। इसे प्लेस करने के लिए स्टॉप लॉस मार्केट पर क्लिक करें, अपना क्वांटिटी टाइप करें और फिर ट्रिगर पर क्लिक करें। बाय ऑर्डर के लिए ट्रिगर आपके लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। सेल ऑर्डर के लिए आपका ट्रिगर प्राइस कम होना चाहिए आपके लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को कंपेयर करके। अभी स्वाइप पर क्लिक करें ऑर्डर प्लेस करने के लिए और फिर कंफर्म पर क्लिक करें। इसी तरीके से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा सक्सेसफुली। अभी हम दूसरे कीज देखेंगे जो अवेलेबल है ऑर्डर प्लेसिंग टैब में। वैलिडिटी, इसमें टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है, डे और IOC। डे ऑर्डर उस दिन के लिए वैलिड है, और अगर आपने मार्केट आवर्स के एंड में एग्जीक्यूट किया है तो वो ऑर्डर इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा। IOC ऑर्डर का मतलब है इमीडिएट आ कैंसिल ऑर्डर। यहाँ पर आपका ऑर्डर तभी प्लेस हो जाएगा, नहीं तो कुछ समय के बाद अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। AMO ऑर्डर्स, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, ये ऑर्डर नॉर्मली इन्वेस्टर्स मार्केट क्लोज होने के बाद में ही डाल देते हैं, ताकि अगले दिन मार्केट ओपन होने से पहले उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाए। ये ऑर्डर्स NSE, NFO और करेंसी सेगमेंट में प्लेस किए जाते हैं। AMO ऑर्डर प्लेस करने का सही समय है शाम को 5 बजे से लगा के सुबह 9 बजे तक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और डिटेल्स के लिए आप हमें ट्रेड प्रेस यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करें।